गांधी जी के गुजरात में शराबबंदी केवल कागजों पर थी। चासमा पंथक में पुलिस और पुलिस की निगरानी में शराब तस्कर और शराबी बेलगाम हो गए और मेरी बेटी और मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगे। ऐसा ही एक मामला डेलमल गांव का है। चानिस्मा अपनी दो बहनों के साथ जो गाय चरा रही थी। गांव के अवैध शराब तस्कर एसपी साहब को आवेदन देने के लिए पाटन गए थे, लेकिन एसपी साहब के बाहर रहने के कारण शराब तस्कर ने उन्हें शराब पीते हुए पकड़ लिया और बाल पकड़कर थप्पड़ मारे। चाड़स्मा तालुका के देलमाल गांव में रहने वाली जेठी अवनी बेन उमेश भाई और जेठी फाल्गुनी बेन लक्ष्मण भाई अपनी गायें चराकर घर आ रहे। उसी दौरान गांव के शराब तस्कर मुकेश जी, गंडा जी और उनके बेटे ठाकुर दीपक जी, मुकेश शाहजी शराब पीकर गाड़ी में आए और दोनों बहनों के बाल खींचे। जब उनकी बेटियों ने घर पर फोन किया तो उमेश भाई जेठी और लक्ष्मण भाई जेठी वहां गए। उपरोक्त लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे वे डर गए और जब वे आवेदन जमा करने के लिए पाटन एसपी कार्यालय पहुंचे, अगम्य करोसर एसपी उपस्थित नहीं थे। उनके निर्देशानुसार LIBP एक शिकायत पत्र मिला और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। किस कारण से डेलमल के इस परिवार को आवेदन पत्र जमा करने और आवेदन देने के लिए पाटन के एसपी साहब के बजाय चाड़स्मा पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, ये समझ नहीं आता। गुजरात से हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की ये रिपोर्ट। तमे आज यहां एसपी कचेरी खाते आया था, क्या अनुसंधान में आया था? हमारा गामना ठाकुर मुकेश जी कॉलेज तथा इन पुत्र दीपा जी मुकेश जी त्रासना कारण अमार ऊपर आज हुमलो थयो हतो अने अमारी बेन दीकरीओने आबरू अने मारछोड़ करी हती। एना संदर्भमां अमे साहेब सिंह जोड़े अमे आवेदन पत्र आपवा आव्या हता। એટલે કયા કારણોસર મારજોડ કરવામાં આવી હતી? એના ગાયો લઈને ખેતરથી આવતા હતા અને એને બે ફામ ગારું દેવા માંડ્યો, એક ગાડીમાંથી ઉતરીને બે બાપ દીકરાએ બે ફામ ગારું દીધી અને બાર ચાલ્યા અને મારછોડ કરવા માંડ્યા। મારનાર શું ધંધા અર્થે સંકળાયેલા છે? દારૂ પીએ છે, દારૂ વેચે છે સર, આખા ગામની અંદર દારૂ વેચે। तुम्हारा नाम जेठी उमेश भाई। खबर सबकी सीधे आप पर।